वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिए गए सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट से ही विधायक मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता जो है शुक्रवार को समाप्त कर दी गई है और इस मामले में गुरुवार को रामपुर की एसपी और एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान को ही विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किए जाने के चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रामपुर सीट रिक्त घोषित कर दी गई है और अब चुनाव आयोग रामपुर की रिक्त सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला विधानसभा की खाली सीट पर 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गोला गोकरनाथ, जहां पर उन्होंने गोला विधानसभा क्षेत्र के ममरी गांव में एक विशाल जो जनसभा है उसको संबोधित किया है और 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर ही बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में वोट मांगे हैं। कार्यक्रम में सरकार पर जल शक्ति मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा समेत कई बीजेपी नेता और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी क्या बयान दिया मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी तो मैं यहाँ गोला विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का वादा भी यहाँ की जनता से कि उनका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी अमन गिरी जी को प्राप्त होगा और हम लोग विकास वैसे भी कर रहे हैं और सामूहिक रूप से इस क्षेत्र के विकास का, इस जनपद के विकास का, इस प्रदेश के विकास का जो संकल्प है उसे आगे बढ़ाएं। क्या आपको लगता है भारतीय मुद्रा पर गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति की बात हो रही है, उनकी फोटो होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी? आपको भी हंसी आ रही सवाल पूछते हुए, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस देश के 2014 से पहले का राजनीतिक लोगों का इतिहास देखिए, उनके चेहरे देखिए, उनके चरित्र देखिए, तो आने में भी उनको लगता था कि उनका वोट बैंक नाराज होगा। बांदा में कानपुर के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है और युवक वैन चलाने का काम करता है। मृतक कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र का रहने वाला था और आपको बता दें कि वो ननिहाल आया हुआ था जहां उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। सरे थाना चिल्ला क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, क्या मामला है? ये जनपद कानपुर आउटर के थाना 24 के दो अभियुक्तों ने थाना नौबस्ता जो कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है वहाँ से एक ओमनी वैन किराए पर ली, उसको ले करके अपने ननिहाल बांदा आ गए और अपने ननिहाल के अहाता परिसर में जो काफ़ी लंबा है 200 मीटर के लगभग है उसमें इन्होंने ड्राइवर की हत्या करके सब को छुपा दिया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर सीतापुर से है जहां सीतापुर में जिला अस्पताल की नर्स का अमान्य चेहरा सामने आया है। नर्स के महिला मरीज की चोटी खींचते हुए घसीट रही थी और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला जो है जिला अस्पताल का है जहां पर इलाज कराने आई महिला के साथ नर्स और डॉक्टर ने दुर्व्यवहार किया है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बलरामपुर में राज्य मंत्री अरविंद सिंह पटेल के निरीक्षण के दौरान ही खुली जिले के सबसे बड़े अस्पताल में व्यवस्था की पोल खुल गई है, जहां प्रसूताओं और महिलाओं ने 200 रुपए वसूली की शिकायत की है, जिसके बाद राज्य मंत्री बिफरे तो सीएमएस से उनसे बहस करने लगे। महिलाओं ने अस्पताल में मिलने वाले खाना को लेकर ही शिकायत किया। वहीं महिलाओं का आरोप है कि उनसे हर बात की रिश्वत ली जाती है। वहीं निरीक्षण के दौरान फ्रिज में रखा टमाटर और सब्जी सड़ा हुआ मिला है और जिसके बाद मंत्री ने फटकार भी लगाई है। राज्य मंत्री ने कहा है, चेतावनी देते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मरीजों को किसी भी हाल में समस्या ना नहीं होनी चाहिए, ना नहीं तो किसी की भी खैर नहीं रहेगी।
और जो शिकायतें मिल रही हैं उसके लिए सुधार करने का निर्देश दिया गया है। भोजनालय में भी समस्याएं आई हैं, कुछ पेशेंटों ने दवाइयों का भी शिकायत की है, उसके लिए हमने निर्देश दिया है कि जांच करके जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सुविधा हो उस व्यवस्था को मेंटेन किया जाए। गाजीपुर पुलिस ने जमानिया थाना क्षेत्र के सुखदेवपुर चौराहे से 3 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है और जबकि एक फरार बताया जा रहा है। उनके पास से 2,00,000 नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को पता चला कि एक हीरोइन तस्कर बिहार झारखंड से गाजीपुर की तरफ हीरोइन लेकर बेचने के लिए आ रहा है और गाजीपुर की पुलिस ने सुखदेवपुर चौराहे पर घात लगाकर अपना डेरा जमा लिया। जैसे ही सुखदेव चौराहे पर हीरोइन तस्कर उतरा, उनके पास हेरोइन खरीदने वाले 3 तस्कर खड़े दिखाई दिए और पुलिस को देखते ही एक तस्कर फरार हो गया और जबकि घेराबंदी करके 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे कि जानते हो विगत कुछ दिनों से लगातार नारकोटिक्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो गाजीपुर पुलिस द्वारा करी जा रही है और आज जो है एक अंतर्राज्यीय गिरोह ये गिरफ्तार हुआ है। लगभग 1 किलो 50 ग्राम नजायज हेरोइन के साथ जो है वो पूरा गिरोह गिरफ्तार हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ रुपए की है। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इनके नाम इस प्रकार है, प्रमोद कुमार डांगी, ये रहने वाला छतरा झारखंड का है, नंबर 2 मिंटू चौहान शंकर मिश्रा, ये दोनों रहने वाले बक्सर बिहार के हैं। पौड़ी शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की धमक से ही दहशत जो है बरकरार नजर आ रही है। आए दिन गुलदार के देखे जाने का जहां वाक्य सामने आ रहा है, वहीं शहर के वार्ड नंबर 3 में मौजूद वर्चिका गांव में ही बीती देर शाम को गुलदार आवासीय बस्ती के अंदर दिखाई दिया। जानकारी देते हुए ग्रामीण मंजीत रावत ने बताया है कि उनके घर के सदस्यों पर पड़ने जा रहे गुलदार को हो हल्ला पर ग्रामीणों द्वारा बनाया गया और बताया जा रहा है कि इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई, लेकिन वन विभाग की बेरुखी के चलते ग्रामीण डर के साए में जीने में मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की और जिस पर जिलाधिकारी ने DFO गढ़वाल वन विभाग को ही मामले में घटनास्थल का जायजा लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर DFO के आदेश पर वन कर्मियों द्वारा चविंचा गांव के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में दिन के समय ही गश्त लगाई जा रही है। तो आपको बता दें वन विभाग के द्वारा ही गश्त लगाई जा रही है, गुलदार के दहशत में ग्रामीण नजर आ रहे हैं। वन विभाग की बेरुखी पर ही DM से शिकायत की गई थी, जिसके बाद गुलदार के दहशत जो है वो लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान लग गया नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि DM ने इसके और सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत चुचा ग्राम में जो एक घटना की जानकारी आ रहा है कि उसमें एक गुलदार ग्राम में मकानों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में ग्रामवासियों ने उसकी शिकायत जब विभाग को किया तो विभाग के द्वारा उसमें शीघ्रता से कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। मैंने अभी DFO पौड़ी से इस संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया है और उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता भी किया है कि अगर वहाँ पर कोई गुलदार का दिखाई दिया जा रहा है तो वहाँ पर तत्काल जो है पिंजरा लगाने किया जाए और वहाँ पर गश्त के लिए टीम भी भेजी जाए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी पहुंची हैं और आपको बता दें कि जहां उन्होंने चमोली महल चोरी स्टेट मेला ग्राउंड में मेले का शुभारंभ किया है। उन्होंने कांग्रेस के बयान पर कहा है कि शेर गैरशेण का ही यदि विकास हुआ तो BJP के शासन काल में हुआ है और सरकार दर्शन के प्रति संजीदा है। नहीं है, हर चीज को पॉलिटिकल मुद्दा बना के और पॉलिटिकल बात करना भी सही नहीं होता है। भराड़ी सहन में लगातार होते रहे हैं, सेशंस हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं
कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था, इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ी सैन नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया, इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग गैरसैंड में इस तरह की चीज़ करते रहेंगे, भराड़ी सैन पहुँचेंगे और कार्यक्रम होते रहेंगे। बलरामपुर में बाढ़ की भीषण त्रासदी झेलने के बाद लोग अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इन लोगों की मदद की जिम्मेदारी किनके कंधों पर सौंपी गई है वो अब इन ग्रामीणों से अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के तुलसीपुर तहसील के कुड़ी गांव से देखने को मिला है, जहां लेखपाल के बेटे की वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हल्का लेखपाल महेंद्र टंडन का बेटा रमन टंडन लोगों से उनके नुकसान के और आर्थिक मदद को लेकर इकट्ठा कर रहा है और साथ ही 100, 200 और 500 रुपए तक की अवैध वसूली भी कर रहा है। पूरे मामले पर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपर जिला अधिकारी राम अभिलाष से कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने बताया है कि हम पहले ही बाढ़ की भीषिका से परेशान हैं, लेकिन लेखपाल और उसके बेटे द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही है, हमें मिलने वाले लाभ का डाका डाला जा रहा है, इसलिए हमने आज अपर जिला अधिकारी मामले की शिकायत की है। कोई कमाने वाला नहीं है तो मैं जिलाऊंगी खिलाऊंगी। वो राशन के लिए 4000 रुपया लिए, ये खेत के उन्होंने वो राशन किया, अब बाकी ये खेत के नहीं किया, बोला अभी और पैसा दोगे तब मैं करूंगा। उसके बाद फरमाइश के बोला मेरा घर बनाए हो पीछे, आगे भी पूरा पटा के रखे हो, शबद मोरिया ने उसको बनाने नहीं दे रहा हमको, बोला दीवार पर से मैं नहीं लेने देगा, उसके अंदर तलक मेरा है। तो मैं बोली लेखपाल के कि नाप दो, जहाँ तलक मेरा है वहीं से मैं बना लूँ, मेरे चार बच्चे जिएंगे खाएंगे, मैं दुकान करती हूँ वहीं से जिलाती हूँ। तो बोला पैसा पहले पैसा दे दो को। तो मैं बोली ठीक है, मैं खेत गिरवी अपना रखी। ये गाँव सभा कुड़ी के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि लेखपाल के द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों से कुछ पैसे की वसूली की जा रही और अनियमितता की शिकायत की जा रही है, तो संज्ञान में आए, उसकी जांच करा ली जा रही है, अगर दोषी पाए तो उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से है। पीलीभीत में बीते 2 महीने पहले अवैध अतिक्रमण अभियान के तहत ही शहर की मंडी समिति रोड पर नवीन मंडी समिति की दुकानों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा हटाया गया था। वहीं अब पूर्ण 2 महीने बाद मंडी समिति के दुकानदारों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है और जिसकी शिकायत स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से की है। वहीं इसी को लेकर आज सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा अभियान चलाया गया और साथ ही दुकानदारों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए गए। मंडी के गेट के पास जो है, जो मंडी समिति की दुकानें हैं, इसमें लोगों ने पूर्व में अतिक्रमण कर रखा था, उसको जो है लोगों को सूचना दे करके और हटवा दिया गया था, लेकिन पुनः जो है 2 महीने बाद इन लोगों ने दोबारा अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। तो आज मंडी की टीम और इंस्पेक्टर सुनगढ़ी के साथ जो है ये भ्रमण करके लोगों को बता रहा है कि अपना अतिक्रमण हटा लें तत्काल एक दिन में। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र में हुई हत्या का 24 घंटे के अंदर सफलतापूर्वक अनावरण किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही थी और गुमशुदा व्यक्ति का शव 3 दिन पहले ही सौरवा घाट के सिवान में धान के खेत में मिला था। हत्या को लेकर पुलिस हर एक बिंदु से जांच में जुटी हुई थी और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच दी और पति के खाने में जहर मिला दिया था, जिससे पति की मौत हो गई थी। पति के शव को प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने दूर सिवान में धान के खेत में फेंकवा दिया था। दूसरे दिन पति ने
गुमशुदगा जो पति है उसका गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी थाने में। और वहीं दूसरी जो घटना है जनपद के सदर थाना क्षेत्र की थी, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक को अज्ञात लोगों ने भीड़ में चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। ये घटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी थी और इस घटना को लेकर जनपद के पुलिस अधीक्षक ने अमित कुमार आनंद ने ही पुलिस और एसीओजी की टीम को घटना का खुलासा करने को लगा रखा था। और दोनों थाना क्षेत्र में ही हुई घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है। तो आपको सिद्धार्थनगर की खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने सराहनीय कदम उठाया है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सिद्धार्थनगर से, जहां 24 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थनगर में ही पुलिस ने दो थाना क्षेत्र में हुई हत्या का 24 घंटे के अंदर ही सफलतापूर्वक अनावरण किया है। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और जिसकी छानबीन पुलिस कर रही थी। और गुमशुदा व्यक्ति का शव 3 दिन पहले ही सोरहावा घाट के सीवान के में धान के खेत में मिला था। और हत्या को लेकर ही पुलिस एक हर एक बिंदु में जांच में जुटी हुई थी। मामला प्रेम प्रसंग का भी निकला था और पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचकर पति के खाने में जहर मिला दिया था। और जिसके बाद से ही पति की मौत हो गई थी और पति के शव को प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने ही दूर सीवान में धान के खेत में फेंकवा दिया था। और दूसरे दिन पति के गुमशुदगी होने की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवा दी थी। शातिर पत्नी की करतूत थी जिसने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है थाने में दर्ज करवाई। और वही दूसरी घटना जो सामने आई जनपद के ही सदर थाना क्षेत्र की थी, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक को अज्ञात लोगों ने भीड़ में ही चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। और ये घटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बनी थी। और इस घटना को लेकर जनपद के पुलिस अधीक्षक ने अमित कुमार आनंद और घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि दोनों थाना क्षेत्र में ही हुई घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। आज कठेला समय माता पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। इसमें जो मृतक है नईम उर्फ रमजान, इसकी गुमशुदगी 24 अक्टूबर को इसकी पत्नी ने थाने पे लिखवाई थी। और इसकी जब जांच की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि इसका एक प्रेमी भी है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो पूरी कहानी खुल के ये आई कि 23 अक्टूबर को इस महिला ने खाने में जहर देके पहले अपने पति को मार दिया और इस अपने अपने प्रेमी को बुलाया और इसकी मौत को सुनिश्चित करने के लिए तार से इसका गला घोटा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।